हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की हमारी क्लास बिल्डिंग मटेरियल्स की। वैसे तो बिल्डिंग मटेरियल कल ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो यानी कि ये लेक्चर नंबर जो 5 था, उस लेक्चर नंबर 5 का ये सेकेंड पार्ट आप कह सकते हो, पार्ट 1 इसका, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन। शोएब कुरैशी, मास्टर साहब, मार साहब, ललित सैनी, सोनाली मीणा, संजय जी, खाना राम जी, अरियन जैन, भावना मुन्नी, जूली खत्री, किशमिश मीणा, सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, और शोएब कुरैशी जी पूछ रहे हैं कि सर मैं एग्ज़ाम दूंगा क्या? कि तो अगर जैसे ऐसा कोई प्रावधान है भाई कि एग्ज़ाम देने भदौरिया सर के तो गड़बड़ कुछ हो सकती है, तो नहीं जाएंगे देने? ऐसा कोई फिक्स नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दूँ ही, अगर कोई समस्या नहीं तो देने चले जाएंगे भाई? ऐसा भारत सरकार का कोई वो है क्या, सिविल बॉडी वाले पेपर नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी? ये खतरा है देश के लिए। नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बच्चे जो हैं आने वाले होंगे वो आ जाएंगे। और क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे, जैसा कि आपको पता है 235 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, 235 क्वेश्चन हो गए थे। 236 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमें डिस्कस करना है, तो क्वेश्चन नंबर 236 आपकी स्क्रीन पर। चलिए आंसर क्या है बताइए, 236। तो क्वेश्चन नंबर 236 जो है, इसमें कहा गया है आपसे 236 नंबर के क्वेश्चन में, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ में आपको मैच करना है। करेक्ट आंसर बताइए बताइए बताइए, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, कि पग मिल जो होती है वो टेम्परिंग से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं प्लग वगैरह की, प्लग ऑफ फेदर वगैरह की, तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्प्लिटिंग से रिलेटेड है। लीविस की बात करते हैं तो लीविस किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है लिफ्टिंग से। और जो आपके जिलाइट वगैरह होते हैं किसमें यूज़ किए जाते हैं, ये ब्लास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज की खास बात है कि वो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है, तो क्वेश्चन करना बहुत अच्छा होता है सिविल सर्विसेज के। जितने ज़्यादा कुछ वो उसके इंजीनियरिंग सर्विसेज के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उतने अच्छा है, और सिविल सर्विसेज के क्या है कि थोड़े से और ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 237 करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 237 की अगर हम बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करते हैं, तो एक एक करके मैच समझते हैं इनका, कि जब स्ट्रक्चर बनता है किसी भी टिम्बर का, जो स्ट्रक्चर होता है कि उसमें एनुलर रिंग क्या होती है, कैम्बियम लेयर क्या होती है, आउटर मोस्ट जो स्किन होती है वो क्या होती है, मेडुला क्या होता है जिसे पृथ्वी कहते हैं, तो ये चीज़ें हमने वैसे तो डिस्कस की हुई हैं, फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा था पहले लेक्चर तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। वुड वगैरह जो है, टिम्बर जो है, टिम्बर की स्ट्रक्चर जो है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। टिम्बर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके इसके जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर से तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ आपसे अलग अलग स्ट्रक्चर जो है कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो ये है ना, इनका कंपैरिजन, इनका जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि एक तरफ तो आपके हार्डवुड होती है और एक तरफ होती है सॉफ्टवुड, तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड में क्या कंपैरिजन होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हार्डवुड के एग्जाम्पल क्या हैं और सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल क्या हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग फिक्स माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनते हैं कि इसका जो सेंटर पार्ट होता है ये इसको क्या कहते हैं, इसे पिथ कहा जाता है, जिसे मेडुला भी कह सकते हो। इसके आउटर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हार्टवुड होता है। ठीक है, इसमें जो रिंग बनी होती है उन्हें क्या कहते हैं, एनुलर रिंग्स कहते हैं, जिस तरह से चलती हैं, जो इसके बारे में आपको बताती हैं। ये रेडियल रिंग जो बनती है बाहर की तरफ जो बनती है, इस तरह से रेडियल जो रेज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेडुलरी रेज कहा जाता है। इसके बाहर वाला जो आउटर पोर्शन हर्टवुड से और आपके बार्क के बीच का, उसे सेप वुड कहा जाता है, और आउटर बार्क होती है, इनर बार्क होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 237,
तो ऑप्शन जितने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपके बुक में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5123, 5123 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मैच करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कोर ऑफ स्टीम ऑफ द ट्री, तो आप कहेंगे पिथ होता है सबसे इनर मोस्ट पार्ट, सेंटर में भी अभी हमने देखा है, ठीक है ना। और उसके अलावा मेडुलरी रेज कौन सी थी, जो रेडियल रेज होती है, रेडियल रेज होती है जो कि आपके पिथ से निकलती हैं, उन्हें कहते हैं। आपके जो सेलुलर टिश्यूज एंड वुडी फाइबर अरेंज इन डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक सर्कल, इन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एनुलर रेज कहा जाता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 238, ए गोज्ड मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू सीमेंट, तो गोज्ड मोर्टार जो होता है वो गोज्ड मोर्टार किसके मिलाने से बनता है बताइए। तो गोज्ड मोर्टार के बारे में आपको याद हो तो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। गोज्ड मोर्टार एक्चुअल में क्या होता है, लाइम सीमेंट मोर्टार जो होता है उसे गोज्ड मोर्टार कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी सही हो सकता है, या बी सही हो सकता है, डी सही हो सकता है, ए सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है इनमें से, जहां पर आपके लाइम हो प्लस सीमेंट हो, ठीक है। अगर नहीं है तो सुर्खी है, फिर नहीं है तो फिर क्या मिलाते हैं, सुर्खी मिलाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे क्या, हमें तो जब ये चीज अवेलेबल है तो इन्हीं को तो मिलाएंगे, तो सुर्खी को स्किप किया जाता है, सुर्खी को नहीं मिलाया जाएगा क्योंकि सीमेंट तो ऑलरेडी है, सीमेंट के साथ में सैंड और लाइम मिला दीजिए आंसर आ जाएगा। अगर आपने सैंड प्लस सीमेंट प्लस सुर्खी अगर ऐड कर दिया तो ये गोज मोटर नहीं कहलाएगा, ये गोज मोटर उससे में नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइमरी रूप से आपके पास में लाइम और सीमेंट होने ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 239, 239 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक 1 क्यूबिक मीटर 124 बाय वॉल्यूम कॉन्क्रीट द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड, कोर्स एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एस्टीमेट का पार्ट है, और एस्टीमेट का ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं जहां पर आपको क्वांटिटी के बारे में अलग से बताया हुआ है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को लेकर के। तो फिलहाल यहां मैं बता देता हूँ कि डिटेल में आप एस्टीमेट वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब कभी भी कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि आप क्या रखते हैं, ड्राइव वॉल्यूम फैक्टर की वैल्यू चेक करते हैं कितना दिया हुआ है, तो जनरली 1.5 से लेकर के 1.54 के आसपास आप वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो आप 1.54 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन नीचे आएगा, सम ऑफ द रेशियो यानी कि कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 4, 3 कितना होगा, 7 होगा। मल्टीप्लाई के पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो रेशियो, तो आपको किसके कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का रेशियो कितना है, 4 है 4 मल्टीप्लाई कितना वॉल्यूम है, 1, तो वॉल्यूम कितना लेके चलना है, 1 के लिए लेके चलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0.868 m³। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जितने भी बता रहे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आसपास ऑप्शन नंबर बी ही है और कोई ऑप्शन है नहीं आसपास का। चलिए आगे चलें, देखो जो लोग ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में जीके की पीडीएफ नहीं है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार एप्लीकेशन फिर से चेक करो, सभी की सभी पीडीएफ जो हैं, सभी की सभी पीडीएफ अपलोडेड हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। बाकी बच्चों ने कैसे डाउनलोड कर ली, 240, द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट क्लिन इज, एक्चुअली क्या है कि आज की तारीख में एक एक साथ बहुत सारी पीडीएफ अपलोड की हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो तो स्क्रॉल करके एक बार देख लेना। द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट क्लिन इज, और मैं प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है जीके की, उसमें मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जो बनी हुई उस प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड कर दूंगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 240, बताइए 240 का करेक्ट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जितने भी बता रहे हैं, 1300 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में ये टेम्परेचर जो होता है वो 1400 से लेकर के 1500 डिग्री के आसपास होता है जनरली, ड्राई प्रोसेस में, वेट प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, चलिए, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर, तो जब बात की जाती है किसकी टेस्टिंग की, किसी सेटिंग टाइम जो टेस्ट चेक करना है, टेस्ट करना है, उससे पहले किसका किया जाता है, सेटिंग से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, आप कहेंगे सर कंसिस्टेंसी, याद है ना,
कंसिस्टेंसी के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमें कितना पानी मिलाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 242। ए स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ इफ द अल्टीमेट लोड इज पी, देन द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाय, लेंथ एल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला काफी जी है, 2P/πDL आपको बताया है। इनडायरेक्ट वे है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने का, आपके इनडायरेक्ट वे है ये, है ना। इसमें जो सिलेंडर यूज लिया जाता है वो 150 mm/300 mm का लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2P/πDL। क्वेश्चन नंबर 243, लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड आपके एडमिक्सचर हैं और केमिकल दिए हुए हैं, कौन सा एडमिक्सचर किस केमिकल के साथ होगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वाटर रिड्यूसिंग की अगर बात करते हैं तो वाटर रिड्यूसिंग कौन सा होगा, लिग्नोसल्फोनेट होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एयर एंटरिंग एजेंट की, तो एयर एंटरिंग एजेंट कौन सा होता है, रेजिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स की बात की जाती है तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं सल्फोनेटेड मेलामिन एडमिक्सचर। और एक्सेलरेटर की बात होती है तो एक्सेलरेटर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टीनेसिटी और टफनेस। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, रिपीट हो रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 244, तो डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या आ सकते हैं, आप पकड़ के उसको खींच सकते हैं, उसमें परमानेंटली चेंजेस आ सकते हैं विदाउट रप्चर, तो डक्टिलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भाई ब्रिटलनेस क्या होती है, तो ब्रिटलनेस एक्चुअल में क्या होती है कि फेलियर विदाउट वार्निंग फेलियर होता है वो ब्रिटलनेस होता है। टीनेसिटी क्या होती है, टीनेसिटी में क्या होता है कि आपके जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो टीनेसिटी के केस में होती है। टफनेस क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है विदाउट रप्चर वो टफनेस होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 245, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केसीन ग्लू इज, जो केसीन ग्लू होता है उससे चार पांच स्टेटमेंट दिए हुए, छह स्टेटमेंट टोटल, इनको पढ़िए बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए केसीन के बारे में। तो केसीन जो है ये एक्चुअल में मिल्क वगैरह जो होते हैं, मिल्क फेट वगैरह जो होते हैं उनसे मिलता है हमें, है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाल सकते हैं वहां से हम। और ग्लू वगैरह में यूज किया जाता है जो आपके प्लाई वगैरह जो होती है उनको ऐड करने के लिए, प्लाईवुड वगैरह में। तो जो स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन नंबर 245 का, जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो इनकरेक्ट कौन सा है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर एक्चुअल में बी, जितने भी बता रहे बी ऑप्शन एकदम सही है कि भाई पहला स्टेटमेंट ऑप्टेन फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल मिल्क से मिलता है, ऑप्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द एनिमल, नहीं मिल्क से मिलता है ये। फिर है यूज इन पेंटिंग ऑफ मेटल, नहीं इसका यूज किया जाता है प्लाईवुड वगैरह में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, रेड कलर का होता है, बिल्कुल होता है क्या, दोनों कलर का होता है, नहीं ओनली व्हाइट कलर का होता है भाई, दूध से निकाला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सिक्स्थ स्टेटमेंट वो भी गलत हो गया, तो पहला चौथा पांचवा ही सही है, ठीक है ना, दूध से निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 246। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एक तरफ आपके स्काफ होल्डिंग है, दूसरी तरफ उनके फंक्शन दिए हुए हैं, एक तरफ स्काफ होल्डिंग है दूसरी तरफ आपके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब स्काफ होल्डिंग क्या आपने देखा भी होगा, स्काफ होल्डिंग के बारे में देखा है ना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, स्काफ होल्डिंग का बताया है वैसे तो मैंने, अगर आपने वीडियोस देखे हो तो, कितनी टाइप की स्काफ होल्डिंग है, कैसे की जाती है। देखो दो तीन चीजें फटाफट से देख लो,
कई बार क्वेश्चन बनता है फॉरम वर्क का, क्या फॉरम वर्क क्या होता है? तो बेसिकली जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट जहाँ आपको बनानी है उसकी, उसको कंक्रीट पोर करनी है, आपको मोल्ड बनाना है कंक्रीट का, उसके लिए जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाई जाती है उन्हें फॉरम वर्क कहा जाता है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है? जैसे आपको शेप चाहिए वैसे आप बना लेते हैं। अब फॉरम वर्क में क्या है कि शटरिंग किसको बोलते हैं, तो एक्चुअल में फॉरम वर्क है ना, फॉरम वर्क का वो पार्ट है ना, फॉरम वर्क का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि आपके शटरिंग जो है बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल टेम्परेरी अरेंजमेंट जो होंगे ना उन्हें शटरिंग कहते हैं। फॉरम वर्क का वो पार्ट जो वर्टिकल सपोर्ट देता है, वर्टिकल टेम्परेरी सपोर्ट देता है, उन्हें क्या कहते हैं, शटरिंग कहते हैं, ठीक है? यानी फॉरम वर्क विच सपोर्ट वर्टिकल अरेंजमेंट इज नोन एज शटरिंग। यानी शटरिंग किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी फॉरम वर्क का ही एक पार्ट है जो वर्टिकल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे कि आपके अलग अलग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कॉलम के लिए फॉर्म वर्क वगैरह आपने बनाया ऐसा कुछ, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि सेंटरिंग क्या होती है। तो फॉर्म वर्क का वो हिस्सा जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है सेंटरिंग। यानी कि एक्चुअल में फॉर्म वर्क जो होता है, फॉर्म वर्क के दो पार्ट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल सेंट्रिक हो गया और शटरिंग क्या है, वर्टिकल हो गया, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या, पहले ये बता देता हूँ मैं, स्टैगिंग भी होता है, ठीक है ना? स्टैगिंग के बारे में पढ़ लेना एक बार, प्रॉप वगैरह लगाया। अब जो स्काफोल्डिंग है उसके स्काफोल्डिंग के बारे में, स्काफोल्डिंग क्या है, स्काफोल्डिंग थोड़ी अलग चीज़ है। स्काफोल्डिंग एक्चुअल में इसलिए बनाया जाता है ताकि आप क्या है जहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो जो वर्कर वगैरह हैं वो वर्कर आराम से काम कर सके। जब आपकी बिल्डिंग की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर अगर हो जाएगी, तो उस केस में आपको स्काफोल्डिंग बनाने पड़ेंगे। मूवेबल प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं टेम्परेरी ताकि आप काम कर सकें, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इन्हें स्काफोल्डिंग कहा जाता है, समझ गए क्या? तो इनके बारे में आपको बताना चाहिए। अब इसके अलावा क्या है, अंडरपिनिंग भी होता है, अंडरपिनिंग जो फाउंडेशन वगैरह किया जाता है, शोरिंग वर्क होता है। अभी शोरिंग वर्क में भी तीन टाइप के होते हैं, रैकिंग शोरिंग होता है इंक्लाइंड की जैसे कहते हैं, एक फ्लाइंग शोरिंग होता है जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक डेड शोरिंग होता है जिसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है? अब इनके अंदर भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्पोनेंट होते हैं जिन कॉम्पोनेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली मैं आपको एक हल्का फुल्का एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था कि क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है, समझ गए? अब वो आइडिया शायद लग गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, तो अब शायद आप क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 246, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 246, समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 246, बताइए। कुछ लोग कमेंट कर भी रहे थे, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है कि पुटलॉक का काम कहाँ किया जाता है, ट्रांसवर्स में किया जाता है। आपके लेट जो आपके लेडर वगैरह जो लगाए जाते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, लेडर वगैरह कहाँ यूज करते हैं, उनको यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स में। तो फिर वर्टिकल मेंबर के लिए क्या यूज किया जाता होगा, डायगोनल के लिए क्या, तो ब्रास का यूज किया जाता है डायगोनल मेंबर के रूप में, और स्टैंडर्ड जो होते हैं उन्हें वर्टिकल मेंबर के रूप में काम में लिया जाता है जब वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई जाती है लेबर वगैरह के, वर्कर वगैरह काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 247, एक तरफ आपके एप्लीकेशन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको मेटल दिया हुआ है, इनको देखना है कि कौन सा, कौन से मेटल का या किस मेटल का क्या एप्लीकेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बताइए करेक्ट आंसर। यार रिजल्ट का नहीं पता रविंद्र जी, मुझे नहीं पता रिजल्ट कब आएगा। क्वेश्चन नंबर 247, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर है, जिंक है, लेड है। क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 247 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 247, तो 247 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 247 में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, लो डेंसिटी हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन के लिए प्रोवाइड करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय को, है ना? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। कॉपर
कॉपर जो है, कॉपर जनरली कहाँ यूज करते हैं, जहां आपको लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत पड़ती है ना, लाइटनिंग कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। जिंक कहाँ यूज किया जाता है, जिंक को यूज किया जाता है आपके रेडिएशन शील्डिंग के रूप में, रेडिएशन शील्डिंग के रूप में। और लेड का यूज किया जाता है बिल्डिंग फ्लाशिंग एंड डैम प्रूफ कोर्स में, लेड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 248, एक तरफ प्रॉपर्टी है, दूसरी तरफ आपके टेस्ट के लिए जो अप्रेटस काम में लिए तो वो है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सेटिंग टाइम है, साउंडनेस है और फाइननेस है। करेक्ट आंसर बताइए 248 का, क्वेश्चन नंबर 248। तो आप कहेंगे कि मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे किससे चेक कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ले चेटेलियर फ्लास्क बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। ले चेटेलियर फ्लास्क अलग होता है, ले चेटेलियर अपरेटस टेस्ट जो है वो अलग होता है। ये ले चेटेलियर फ्लास्क है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की, मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। सेटिंग टाइम किससे होता है, विकेट से होता है। साउंडनेस किससे होता है, आपको पता होना चाहिए साउंडनेस किससे होता है, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव और ले चेटेलियर। और फाइननेस किससे होगा, एकदम ईजी, ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स इन सीमेंट पेस्ट इज टू, सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो है इनका क्या रोल होता है। 3.15 सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बिल्कुल सही है। और ले चेटेलियर फ्लास्क यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, 249 का, तो बिल्कुल सही है, डिस्पर्स द पार्टिकल, रिमूव एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग, ये वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना, वर्केबिलिटी को ये बढ़ाने का काम करते हैं। सीमेंट के पार्टिकल उनको डिस्पर्स करते हैं जिससे वर्केबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 250, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3, CaO, SiO2, द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। OPC में इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है कि जो लाइम होता है वो लाइम की परसेंटेज जो है लगभग 62-63 के आसपास होती है लगभग, है ना। और सिलीका, लाइम पूछ लेता है तो, और सिलीका पूछ लेगा तो सिलीका का कितना होता है, 22% के आसपास, है ना। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को SiO2 और CaO Al2, तो Al2 का कितना होता है, Al2O3 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बता रहे बी ऑप्शन नंबर सही है, कि भाई सबसे कम जो है, सबसे कम किसका होगा, Al2O3 का, यानी पहला आएगा ये, पहले नंबर पर आएगा, फिर आएगा ये तीन नंबर पर, सबसे ज़्यादा ये होगा तो यानी ये आएगा दो नंबर पर, ठीक है, और ये आएगा तीन नंबर पर। आप करेक्ट, जब आप करेक्ट ऑर्डर लिखेंगे, यानी सबसे पहले एक नंबर को लिखिए, एक नंबर के बाद में लिखिए जो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि SiO2 आएगा, तो SiO2 आपने लिख दिया। फिर आपको लिखना है जो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि लाइम होता है, सबसे मैक्सिमम यही होता है ना। चलिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 251, सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू, सुर्खी जो एडेड की जाती है लाइम मोर्टार में, क्यों ऐड करते हैं, क्या फंक्शन है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सुर्खी ऐड की जाती है ताकि वो हाइड्रोलिसिटी जो है, हाइड्रोलिसिटी को प्रोवाइड कर सके, हाइड्रोलिसिटी दे सके, है ना, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सुर्खी का कभी भी प्लास्टर में यूज नहीं होता, ध्यान रखना, प्लास्टर में कभी यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, 252, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट अगर बढ़ा दी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 252, क्वेश्चन नंबर 252 करेक्ट आंसर बताइए, 252 का, क्वेश्चन नंबर 252। दो सौ बावन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे अगर अगर फाइननेस बढ़ा दी है तो रेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट की, वो बढ़ जाती है, और श्रिंकेज जो है, श्रिंकेज के चांस हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा श्रिंकेज के चांसेस होते हैं, एनर्जी डेवलप होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 253, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेंट, द इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट इन कॉन्क्रीट इज टू, बिल्कुल बिल्कुल 252 का बहुत सारे लोगों ने सही बताया है।
तो एयर एंट्रेंट जो होता है, एजेंट वगैरह होते हैं जो एयर एंट्रेंट का काम करते हैं, एयर एंट्रेंट की वजह से होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है? 253 क्वेश्चन नंबर 253, 253 का आंसर बताइए। देखो एयर एंट्रेंट एजेंट की अगर बात करते हैं तो रेजिन्स वगैरह, वुड रेजिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, आपको याद हो तो बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि ये आपके फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन जो है उसको इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, है ना, अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ा देते हैं। और लेकिन एक कमी है, इनकी कमी यह है कि स्ट्रेंथ को घटा देते हैं ये। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 254, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन नंबर 254, तो ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना समय निकल चुका है, इन पर ये श्रिंकेज डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। श्रिंकेज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड स्ट्रेस वगैरह इन पर डिपेंड नहीं करेगा श्रिंकेज। श्रिंकेज डिपेंड करेगा कितना आपने पानी वगैरह उसमें मिलाया है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, एडमिक्सचर मिलाया है कि नहीं मिलाया है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। क्यूरिंग वगैरह की है कि नहीं की है, कितनी क्यूरिंग की है, अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो श्रिंकेज डेवलप हो सकता है, दरार आएंगी, क्रैक्स डेवलप होंगे फिर आपके। क्वेश्चन नंबर 255, कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजमनेस ऑफ टिम्बर, द करेक्ट सिक्वेंस इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेथड ऑफ प्रिजमनेस, जो संरक्षण का काम किया जाता है ना, प्रिजर्व किया जाता है टिम्बर्स को, तो इनके इफेक्टिव वे में आपको बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इफेक्टिवनेस के। तो आप कहेंगे 255 नंबर क्वेश्चन में सबसे बढ़िया कौन सा होता है, आप कहेंगे सर प्रेशर वाला जो है वो प्रेशर वाला सबसे शानदार होता है, तो सबसे पहले प्रेशर वाला लिखना है। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। उसके प्रेशर के बाद में सबसे बढ़िया कौन सा होता है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद कौन सा, डिपिंग मेथड, और डिपिंग मेथड दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, सी ऑप्शन होगा। डिपिंग मेथड के बाद में कौन सा इफेक्टिव हो सकता है, स्प्रेइंग, और सबसे लास्ट में कौन सा, ब्रशिंग, जो ब्रशिंग की जाती है ना, ब्रशिंग जो की जाती है सबसे लो लेवल का होता है, स्प्रे ब्रशिंग से बेटर है स्प्रे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 256, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 25% ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी नेसेसरी फॉर मोल्डिंग ब्रिक इनटू रिक्वायर्ड शेप, आयरन पायरेटीज प्रेजेंट इन ब्रिक अर्थ प्रिजर्व द फॉर्म ऑफ द ब्रिक एट हाई टेम्परेचर, या प्रिजर्व, या फिर थर्ड स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ वेट्स इन ब्रिक अर्थ मेक द ब्रिक्स अनसाउंड। क्वेश्चन नंबर 256, 256, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही स्टेटमेंट है करेक्ट इसमें, तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है कि लगभग 25% के आसपास ही चाहिए इम्पार्ट प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था कि अगर आपके ब्रिक में वेट वगैरह अनसाउट करेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन आयरन पायरेटीज के बारे में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 257, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट्स, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर, बताइए। 257 नंबर, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सी होगी, आप कहेंगे बताइए करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, ऐसा। तो सबसे ज्यादा सबको पता है क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और क्यूब के बाद में फिर आती है सिलेंडर स्ट्रेंथ, यानी कि लास्ट में सबसे ज्यादा ये आएगा, यानी 2-1 बनना चाहिए लास्ट में। 2-1 किस में आ रहा है, 2-1 सिर्फ इसमें है और इसमें आ रहा है, यानी कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते कभी भी। अब डिस्कस कीजिए कि स्प्लिट में, स्प्लिट टेंसाइल मॉडुलस में कौन ज्यादा, आप बोलेंगे सर मॉडुलस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, सबसे कम कौन होगा, स्प्लिट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं एफ सी आर, एफ सी आर जो होता है वो होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, यही तो होता है। और हम जानते हैं जब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जाती है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 50 से लेकर के 0.62, मतलब कि 62% बोल लीजिए,
62% या 62.5% के आसपास होती है किसके, एफसीआर के, एफसीआर के याद है ना। चलिए सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं, ये थोड़ी बताया था मैंने, बताया क्या था भाई, मैंने तो ये कहा था जब लेक्चर बनाया था, जब तो लेक्चर में जब पढ़ाया था तब ये कहा था कि लगभग 66% के आसपास होती है एफसीआर का, कौन आपके एफ स्प्लिट, 50 से लेकर के 62.5% तो मैंने बताया था डायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है, ये बताया था मैंने। अब याद आ क्या होगा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 258, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू, ब्रिक जो होती है उस ब्रिक में फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है, तो फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो फ्रॉग प्रोवाइड करने का क्या कारण होता है, तो हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि की ज्वाइंट बन सके मोर्टार और ब्रिक के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है ना। और जनरल जो साइज होती है 10 4 × 1 होती है, जरूरत पड़ने पर इसको 10 4 और 2 सेंटीमीटर का भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जनरली कहां प्रोवाइड करते हैं, टॉप साइड में प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉग को टॉप में प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट आपके लास्ट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 259, ब्रिक्स आर एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, ब्रिक्स जो है उनका टेम्परेचर कितना रखा जाता है ब्रिक्स का बर्निंग में, तो ये 900 से लेकर के 1200 डिग्री के आसपास होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 260, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़िए करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 260, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल सेटिंग, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी कंडीशन, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, लो हीट सीमेंट हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम, यानी C3A क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये गलत बात है, C3A ज्यादा नहीं होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्ड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लोअर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई वो आपके उसकी पहले चलती है, तो हाई अगर अर्ली स्ट्रेंथ की बात है तो C3S ज्यादा होगा है ना, C2S हाई किसमें होता है, लो हीट में, C2S क्या होता है, लो में होता है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है, पूरा समय मिलेगा आप बताइए, पूरा समय मिलेगा क्वेश्चन जो है पूरा समय मिलेगा। सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है किस क्वेश्चन में। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 261, एक तरफ आपके मटेरियल, दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनइलास्टिक मटेरियल है, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल और ब्रिटल है। क्वेश्चन नंबर 261 बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इन इलास्टिक मटेरियल जो होता है उसमें लार्ज प्लास्टिक जोन होता है, इन इलास्टिक में, कहेंगे नहीं कहेंगे, लार्ज होता है नहीं होता, नहीं, आप कहेंगे स्ट्रेन इज नॉट रिकवरेबल आफ्टर अनलोडिंग, यानी कि इन इलास्टिक का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर है रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का मतलब हो गया कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन क्या होगा, जीरो अप टू अ स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा इस पर्टिकुलर लेवल तक, जहां रिजिडिटी स्ट्रेन कर सकती है, सस्टेन रह सकती है। डक्टाइल मटेरियल की क्या खास बात होती है,
डक्टाइल मटेरियल की खास बात होती है उसमें प्लास्टिक जोन बहुत ज्यादा होता है डक्टाइल में, जबकि ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल में तो प्लास्टिक जोन होता ही नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट आंसर होगा, आंसर हमारा फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 262, एक तरफ प्रॉपर्टी है दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेटिक क्या होता है, क्रीप क्या होता है, प्लास्टिसिटी और एंड्यूरेंस लिमिट, सभी के बारे में हमने बात की हुई है, फिर एक बार रिवीजन टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो फेटिक क्या होता है, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, यहां पे क्या है, साइकिल्स ऑफ लोडिंग का केस बनता है फेटिक के केस में। और जबकि एंड्यूरेंस लिमिट में क्या होता था, एंड्यूरेंस लिमिट वो केस होता था जहां पर आपके मटेरियल पर बहुत ज्यादा आप क्या है, फेटिक लोड जो है, फेटिक का केस बनता है, मतलब रिवर्सिबल स्ट्रेसेस का केस बनता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल से नीचे जहां पर वो फेल नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही बैठ रहा है, लेकिन अगर फेटिक की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही बैठ रहा है। अब बात कर लो क्रीप की और प्लास्टिसिटी की। क्रीप क्या होता है, सस्टेन लोडिंग के केस में विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो आपके स्ट्रेन वगैरह डेवलप होते हैं, जो डिफ्लेक्शन वगैरह डेवलप होते हैं, डिफॉर्मेशन जो आता है वो क्या होता है, क्रीप होता है हमेशा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रीप। अब बचता है प्लास्टिसिटी, वो क्या होता है, मेटेरियल कंटिन्यूअस टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्डिंग मटेरियल जो है BMC जो है वो कंप्लीट होता है आज गुप्ता एंड गुप्ता का। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपको जैसा कि बताया गया था वो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका सोइल, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सोइल स्टार्ट होने वाला है आपका, तो सोइल का रिवीजन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। PDF जो है वो PDF आपको एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जो PDF डाउनलोड नहीं होती है सर्वे की हो या किसी की भी हो, studywithsivilbody.com से डाउनलोड किया करो, वहां से डाउनलोड होती है, स्टडी विथ वेबसाइट जो है वहां से PDF डाउनलोड होंगी, ई बुक्स जो हैं। और जो डेली क्लासेस वाली PDF हैं वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन नया नया बनाया है तो उसको यूज करके देख रहे हैं, कोई कमियां हो तो उनको दूर कर सकते हैं अभी नहीं, बाद में फिर क्या है, जो बनाने वाले लोग हैं वो चले जाएंगे, फिर हम और आप माथा भिड़ाते रहेंगे एप्लीकेशन से। ठीक है जसविंदर जी, और अगर ज़्यादा समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं समस्या का सॉल्यूशन दूंगा। PDF जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सभी ई बुक्स में जाके देख लेना। सोम जो है सोइल के बाद में WRE, WRE के बाद में सोम होगी, क्योंकि सोम ऑलरेडी मॉर्निंग में चल रही है। कृष्णकांत सैनी जी क्या कह रहे हैं, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं है, देख तो लिया, सोम के बारे में बता तो दिया। PDF जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड नहीं करेंगे, एप्लीकेशन पर होंगी। अरे स्टडी विद सिविल बॉडी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, वहां पर मिल जाएंगी PDFs, एप्लीकेशन से सब बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। ई बुक्स में जाकर के देखिए, सारी PDF आपको अवेलेबल होंगी जो क्लासेस की हैं, और जो ई बुक्स हैं स्टडी मटेरियल है वो वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहां से आप ले सकते हैं। पीयूष सिंह राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज भी आप स्टडी विद सिविल बॉडी जो है उसका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। देखिए अर्पित सक्सेना जी भी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन से सारी PDF डाउनलोड हो रही हैं, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो मैं एक बार देखो, मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन पर अगर आप जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो वेबसाइट जैसे आप ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ ऐसा है कि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास में ई बुक का ऑप्शन आता है, तो ई बुक में आप जाएंगे तो यहाँ पर SSC की ई बुक है, और बॉटम में जाएंगे तो यहाँ RSMSSB की है, तो जिसको जैसी बुक चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट लेना है तो यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन है टेस्ट का, तो टेस्ट में आप जाकर के देखिए, व्यू मोर कीजिए, टेस्ट में जाकर के जितने भी टेस्ट अवेलेबल है वो यहाँ शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, अगर किसी को समस्या है एप्लीकेशन में लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की, मुझे मैसेज करना, मैं नंबर दूंगा एप्लीकेशन टीम का, वो कांटेक्ट कर लेना आप उनसे।
टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में। बताइए। मैराथन पीडीएफ जो है वो थोड़ा सा अलग है। और मैंने ना पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन से, उसका मैंने वीडियो डाला है टेलीग्राम पे, वहां से वीडियो देख लेना। अभी कुछ दिनों में आपको एक कुछ टेस्ट और दिए जाएंगे, तो उनके लिए प्रिपरेशन चल रही है, उनका व्यवस्था बनाई जा रही है। जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो टेस्ट भी आपको दे देंगे। सोइल मैकेनिक्स जो है, गोपतान गुप्ता की सोइल जो है वो कल से स्टार्ट होगी। मलखान मीना सोइल कल से स्टार्ट होगी आपके। पवन कुमार जी, अगर किसी ने स्टडी विद सिबलीबॉडी की 30 टेस्ट ले रखे हैं जिसमें आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और ओल्ड टेस्ट सीरीज ली हुई है 36 रुपये वाली, तो उसको और कोई टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को लगता है जीके थोड़ा वीक है तो जीके वाली लेना चाहे तो जीके वाली भी वो ले सकता है, तो और सोने पे सुहागा है। बाकी बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा इधर उधर मुंह मारने की कोई आवश्यकता नहीं, टाइम बर्बाद करना है बस, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने स्टडी विद सिबिलिटी की टेस्ट सीरीज सारी कंप्लीट कर ली और खाली बैठा हुआ है, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि और टेस्ट सीरीज वो किसी ना किसी और की भी ले ले, खाली नहीं बैठना है। अरे ऑनली RSMSS भी JEE, ये कह रहे कि सर RSEB जो है उसकी क्लास बंद कर दो। बोले बड़े हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई। यूट्यूब पे क्लास हो रही है तो आपको नहीं लेनी है तो आप मत देखिए। किसी ने आपकी गर्दन पकड़ के, गिरेवान पकड़ के कोई जबरदस्ती बोल रहा है कि आप क्लास देखो, या पकड़ करके बांध के पढ़ाया जा रहा है आपको? अजीब हो आप यार। स्टील आरसीसी की गुप्ता भी नहीं होगी। टेक्निकल की जो टेस्ट सीरीज है वो इंग्लिश में, टेक्निकल जो भी होगा वो इंग्लिश में होगा। क्यों? क्योंकि क्यों होगा इंग्लिश में? उसका कारण समझ, डिग्री का पेपर है, डिग्री बीटेक, डिग्री का बीटेक जो होती है वो मेरे हिसाब से हिंदी में नहीं होती, मुझे जहाँ तक जानकारी है वो इंग्लिश में ही होती है। जीके जरूर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। जसविंदर जी आप SSC वाली PDF डाउनलोड करना, जसविंदर जी आप SSC वाली करना, SSC वाली ज़्यादा अच्छी है। अरे कृष्णकांत सैनी जी, मैं अभी मेरा जो फोकस है, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी, और बाकी अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरा फोकस ये है कि अभी फिलहाल हमारे सर पर एग्जाम है राजस्थान JEE का, ठीक है। तो मेरा फोकस ये है कि राजस्थान JEE में जिन सब्जेक्ट का वेटेज हाई है उन सब्जेक्ट को पहले मैं कवर करूँ, जिससे कि सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए आप लोगों के। मैं वो सब्जेक्ट अभी नहीं लेना चाह रहा जिनका वेटेज कम है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुप्तन गुप्ता के आधे ही सब्जेक्ट कराऊंगा, मैं पूरी गुप्तन गुप्ता सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस है कि मैं राजस्थान JEE वाले सब्जेक्ट को पहले करूँ जिनका वेटेज हाई है। और वो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया भी था कि कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं। ऑटोकैड जितना करवाया हुआ है ना वो बेस्ट है, उसको कीजिए आप। और जरूरत पड़ेगी तो एक आध वीडियो आपको बाद में दे देंगे एग्जाम से पहले, जितना है उतना आप कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। वो कवर कर रहा है, काफी कुछ कवर कर रहा है वो।
और अगर कि कोई बालक बालिका अगर पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, उसको नहीं पता मेजर सब्जेक्ट, तो मैं बता देता हूँ आपके जो मेजर सब्जेक्ट है जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के जो मैं करवाने वाला हूँ, जिनका दृढ़ निश्चय लिया हुआ है, वो है आपके FM जो करवा दिया है, BMC जो आज कंप्लीट हो चुका है, चार सब्जेक्ट बचते हैं आपके सोइल, WRE, सोमटॉस और सर्वे। आशु जी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये टेस्ट सीरीज ही है, ये स्टडी विद सिविल बॉडी पर आपको जाना है वेबसाइट पर, वहां से आप ले सकते हैं। वेबसाइट से जसविंदर जी डाउनलोड हो जाएंगे SSC की PDF। यार तुम ना कभी कभी ऐसे सवाल पूछ देते हो, अभी शाम की बात है, बाहर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए गए हुए थे, साथ में हमारे हैं एक मित्र, वो गए हुए थे, तो उन्होंने दुकान वाले को जाकर के बोला कि भैया दाल दे दो, आप राशन की दुकान पे जाकर के बोला कि दाल दे दो, तो दुकान वाला बोलता है कि दाल सब्जी वब्जी बनाओगे क्या, तो बोला नहीं नहीं सब्जी वब्जी तो हम आटे की बनाते हैं, इसकी तो हम रोटियां बनाएंगे। तो वैसी वैसी बातें आप कर देते हो कभी बार, कई लोग तो हम कृष्णकांत सैनी जी मेजर सब्जेक्ट के बाद में RCCCL भी करवा देंगे। मेजर सब्जेक्ट देखो, जब GK बूस्टर पूरी हो जाएगी तो GK में मिक्स क्वेश्चंस करेंगे हम। सिमरनजीत कौर पर्सनल कांटेक्ट नंबर नीचे चल रहे हैं ना, वो कांटेक्ट नंबर मेरे ही है, वो मेरा क्या है, अलग अलग ड्यूटी होती है, शिफ्ट के हिसाब से होता है कि अभी जैसे अभी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं टीचर हूँ, सुबह मैं काम वाला बन जाता हूँ, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम करने होते हैं, फिर बीच में फिर मैं रिसेप्शन वाला बन जाता हूँ, फिर कॉल अटेंड करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बीच बीच में कभी टाइपिस्ट भी बन जाते हैं, कभी PDF वगैरह बनानी पड़ती है, मैटर वगैरह टाइप करना पड़ता है, बाकी जो ये वाला मैटर होता है फाइनल, ये तो मुझे खुद को ही करना पड़ता है, ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ भी बन जाते हैं। और इंजीनियर की खास बात है, और आप लोगों को भी ऐसे होना चाहिए, समय के हिसाब से बदल लेना चाहिए अपने आप को और काम करना चाहिए सबको। लर्न केमिस्ट्री जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉगिन में समस्या है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक नंबर दूंगा, उससे आप कॉन्टैक्ट करना। राहुल कुमार जी धन्यवाद, और कोई किसी के सवाल हो तो फटाफट पूछिए, लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए। नितिन दाजी जी मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन कराने का क्या मतलब, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो कि 100 क्वेश्चन करवाने हैं, कम करवाओगे ज़्यादा करवाओगे, क्या कहना क्या चाहते हो आप? एक तो ये जसविंदर सिंह जी है ना, ये या तो गंगानगर से या पंजाब से, एक तो ये बोलते हैं ना तो ये टाइपिंग भी पंजाबी टाइप की कर देते हैं, समझ में कम आती है। एक तो जसविंदर सिंह जी आप कॉन्टेक्ट कर लेना, कॉल कर लेना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कोई कमेंट हो कुछ भी हो फटाफट बताइए। अच्छा नितिन दांजी जी ऐसे बोल रहे हैं कि एक दिन में 100 क्वेश्चन, नितिन दांजी ऐसे पूछ रहे हो क्या, एक क्लास में 100 क्वेश्चन करवाए जाएं, यही सवाल है क्या आपका कि एक क्लास में 100 क्वेश्चन? बिल्कुल नितिन जादी जी, आप क्या करना कि 2-3 दिन आप छुट्टी उट्टी लो और ब्रेक व्रेक लो, कुछ और करो, आप 4-5 दिन बाद आना तो प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप एक दिन में दो दो वीडियो देखना एक साथ, फिर वो 50-50 करके 100 बन जाएंगे आपके, ठीक है। बिल्कुल सिमरनजीत कौर जी आप कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, समझ गए, क्योंकि आप मेरे बारे में भी तो सोचिए नितिन दादी जी, कि मैं दिन में 3 दिन क्लासे ले रहा हूँ, एक क्लास जो ली जाती है जिसमें आपको अच्छे से समझाना होता है, 50 क्वेश्चन की, मैं आपको 1.5 घंटे चाहिए होते हैं,
और अगर हवा में उड़ाना है तो मैं 50 क्वेश्चन को 50 मिनट में भी करवा सकता हूँ, अगर थ्योरी हो, जी के टाइप का हो तो चल जाता है। समझ गए? लेकिन क्योंकि सोयल जैसा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज हाई है, तो मैं समय लेकर के कराऊंगा, आराम से कराऊंगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए कितने घंटे चाहिए आपको? कम से कम 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे मैं रात को क्लास लूँ, सुबह क्लास लूँ, दोपहर में क्लास लूँ, तो गुरुजी एग्जाम से पहले लुप्त तो हो जाएंगे, और तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गधे के सींग चले गए वैसे गुरुजी भी चले जाएंगे, फिर ढूंढते रहना। ऑटोकैड के क्वेश्चन डाले हुए हैं, 1 आधे घंटे में 100 क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। लेक्चर नंबर 8 है गुप्ता जी, वो आप देखिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। टेंशन मतलब मनस जा, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं बढ़िया प्लानिंग कर रहा हूँ। एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले मैं क्लासेस बंद कर दूंगा, सब कुछ करवा करके, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का पूरा प्रॉपर टाइम मिले आपको, है ना। टेंशन मतलब मैं पूरा एकदम प्लानिंग से चल रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। जरूरत पड़ने पर आपकी 2 क्लासेस चलेंगी, 5555 वाली पैरेलल में 2 क्लासेस, 2 सब्जेक्ट चला देंगे आपके। यार देखो, एक एक बात मैं आपको बताऊँ, ओनली RSS में, RSMSS भी, जेई, विजय जी और बाकी के बच्चे, अगर मेरे से कोई ये कहता है कि ऑटोकोड फिर से पढ़ाइए, तो जो वीडियो अपलोडेड है ना, सेम वही चीज़ मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं फिर से पढ़ाता भी हूँ तो क्यों मेहनत डबल करवाते, उसी वीडियो को दोबारा देख लो आप। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो कि 20-25 मिनट का मैटर होगा मुश्किल से, ऑटोकैड का, जो कुछ और चीज़ें मैं इस बार बताने वाला हूँ, तो वो मैं एक वीडियो करके कभी भी बता दूंगा। ठीक है, और कोई समस्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मनोज जाने डोनेशन किया था, पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, कंफर्म करना चाहते हैं, वापस करके देखो, अच्छा लगता है वापस करके देखो, फिर कंफर्म करूंगा मैं। बिल्कुल मनोज जी, आपका डोनेशन हम तक पहुंच चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। CEO प्रोजेक्ट, विश यू वेल्थ। अभी जो राजस्थान में JEE में वैकेंसी कब आएगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ आने का तो है, सुनते हम भी रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी, आप भी सुना दीजिए, हर कोई मुझे सुना देता है, आप भी सुना दीजिए, बताइए क्या सुनाना चाहते हैं आप। बिल्कुल, GK के लेक्चर काफ़ी हैं। दीपक कुमार जी बोले, पूरा कोर्स एक साथ कैसे मिलेगा? यूट्यूब पे सर्च कीजिए, पूरा कोर्स एक साथ चाहिए स्टडी विद सिविल बॉडी का, आपको पूरा दिखने लग जाएगा। दीपक कुमार जी, स्टडी विद सिविल बॉडी का पूरा कोर्स जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सब्जेक्ट वाइज जाकर के प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब से पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं, 100% पूरा सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर। सोनू प्रजापत, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बस कुछ ही दिनों के अंदर आप तक पहुंचने वाला है, उसी को रिकॉर्ड करना है अब। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।